हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता जी। जय द्वारकाधीश। गिरकाव गुजरात में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम लेके आए आज का वीडियो, जो आज हमारे यहाँ जो शेड जिसने तैयार किया था ना, उन दोनों लोगों से आपको मिलवाएंगे। ये सुरेश भाई है जो अभी सामने आ गई है, वो सुरेश भाई है। सुरेश भाई ने हमारा पूरा सेट तैयार किया है। और दूसरे भाई है वो रमेश भाई है, और रमेश भाई को भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। ए वाले रमेश भाई है जो पूरा सेट उसने तैयार किया है बढ़िया तरीके से। रात दिन मेहनत उसकी बहुत ही अच्छी है। और जो दूसरा काम अभी हमारा ऑफिस का चल रहा है, उसका नाम भी रमेश भाई है, उसको भी मिलवाएंगे। अभी आप देख रहे हो रमेश भाई अभी काम कर रहे हैं, वो कल हमारा काम चलने वाला है। वो रमेश भाई है, रमेश भाई सामने देखो भैया, ये रमेश भाई है। तो रमेश भाई का काम भी बहुत ही बढ़िया है। रमेश भाई ने हमारा पहले भी बहुत काम किया है, वो पूरे रिजनेबल काम करते हैं। और पूरा शेड का काम जो हमारे रमेश भाई और सुरेश भाई ने काम किया है, बहुत ही बढ़िया किया है। लोग बहुत तारीफ करते हैं, बढ़िया शेड बनाया है, तो हम उसको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। उसने हमारा इतना बढ़िया काम किया है, सब लोग उसकी शेड की तारीफ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी भी उसने हमारा जो काम चालू है वो ही आपको दिखा रहे हैं पूरा। अभी गायों के लिए बहुत ही बढ़िया और वाड़ा बना रहे हैं हम, जिसके कारण गायों को खुला रख सके। और रमेश भाई अभी चाय बना रहे हैं, वो भी आप दिखाएंगे। दूध हमने शाम के टाइम अभी ताज़ा निकाला है हमारी गिर गाय का, कुंडी गाय का। तो कुंडी गाय का दूध लेके पूरा चाय बना रहे रमेश भाई। और अंदर हमने हरा चारा गायों के लिए, गुड़ और सब आज हमने मंगवा लिया है। और चाय बहुत ही बढ़िया और पूरे बिना कुछ पानी के चाय बिने बनेगी। हम जब भी चाय बनाते हैं तो पानी कुछ भी डालते नहीं है दूध में, तो क्या है कि चाय का स्वाद बढ़िया रहता है और पूरा दूध को उबालते हैं। अभी आपको पूरा शेड दिखा रहे हैं जो हमारा रमेश भाई और सुरेश भाई ने बनाया है। रमेश भाई और सुरेश भाई बहुत ही रिजनेबल में हमारा काम किया है। और अभी आपको दिखाएंगे शेड के अंदर, हमने अभी आज गायों के लिए, सभी गाय बच्चियों के लिए हरा चारा मंगवाया है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये मक्का है और यह सब गुड़ है, हमने अभी बहुत सारा गुड़ भी मंगवाया है। और ये सब हरा चारा है, गायों को गुड़ और हरा चारा 3-4-5 दिन में आप दे सकते हो, अच्छा अच्छा रोज़ाना भी दे सकते हो। जो देने से क्या होता है कि गायों की सेहत अच्छी रहती है। इनसे हमने काटा हुआ है और सभी गाय बच्चियां खा रही है अभी, वो आप देख रहे हो। और ये सब बच्चियों को भी अभी थोड़ी देर में डालना है, शाम होने वाली है तो वीडियो लगभग तो नहीं आएगा, उससे पहले सब काम करना है। ये सब बच्चियाँ और गाय को भी हरा चारा, सूखा चारा सब डालने का है। और अभी रमेश भाई चाय बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं। और आगे आप देख रहे हो पूरा ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में जो हरा चारा रहता है। तो भाई जी, अभी हमको ये सब जगह पे हमको अभी पेड़ पौधे लगाने के है, बहुत बढ़िया और शानदार फार्म तैयार करने का है। और आगे भी हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आएगी। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करना ना भूले। ये सब पहाड़ी इलाका है जहाँ पे हम सब जगह पे झाड़ियाँ और पेड़ पौधे बढ़िया लगाएंगे। और अभी ये चाय बन रही है, तो सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय गौ माता,
ऐसे ही हमको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय गौ माता।